हेलो, माई सेल्फ अमन कुमार एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ मोमेंटम नीट IIT JEE अकेडमी। और मेरे इस साल नीट 2020-21 में 627 मार्क्स आउट ऑफ 720 आए हैं। और आज मैं यहाँ पर अपना स्ट्रेटजी और नीट में रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए क्या स्ट्रेटजी मैंने अपनाई, ये आप सभी के साथ डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो इसमें तीन सब्जेक्ट होते हैं, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं बायो के बारे में बताना चाहूँगा। बायो में आपको NCERT फोकस करके मल्टीपल टाइम्स रीड करना है और उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है NCERT बेस्ड हमेशा। और जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा कर ले तो उसके बाद ही आप पेपर दें, जो यहाँ पे मोमेंटम अकेडमी में हमेशा शेड्यूल से हफ्ते में 2 बार टेस्ट हुआ करता है। आप दोनों टेस्ट को दिया करें और उससे पहले आप पूरी प्रिपरेशन करके ही आएँ। और पूरी प्रिपरेशन करने के बाद आप जब टेस्ट देते हैं उसके बाद जो भी गलतियाँ हैं उसे आप ज़रूर देखें। गलतियों को आप टीचर से डिस्कशन कर सकते हैं और जो भी गलती हैं वो आप NCERT में लिख भी सकते हैं साइड में खाली जगह में। और फिर इसके बाद हम बात करना चाहेंगे फिज़िक्स के बारे में। फिज़िक्स में आप चैप्टर को मनीष सर से मैं पढ़ा करता था, पढ़ने के बाद घर जाके मैं उसे रिविज़न किया करता था और फार्मूला चार्ट बना लिया करता था। फार्मूला चार्ट बनाने के बाद मैं NCERT फिंगर टिप्स लगाया करता था। NCERT फिंगर टिप्स सॉल्व करने के बाद जो मेरी गलतियां हुआ करती थी उन्हें मैं सर से पूछ लिया करता था कि इसमें मतलब कैसे मैं सुधार कर सकता हूं, ताकि मैं दोबारा गलती ना कर सकूं। और उसके बाद मैं टेस्ट भी लगाया करता था हमेशा यहां पे। और टेस्ट लगाने के बाद जो मेरी गलतियां हुआ करती थी उसे मैं आशीष सर से डिस्कशन करके सुधार लिया करता था। और सुधारने के बाद उसके बाद भी अगर मेरा मल्टीपल टाइम्स जैसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसे मैं दोबारा डिस्कस करता था और उसे NCERT में लिख लिया करता था। और NCERT का इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं और सॉल्व एग्जांपल भी लगा सकते हैं। और पीछे के जो एक्सरसाइज होते हैं उन्हें ज़रूर लगाना है, उनसे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। आप मतलब लैंग्वेज के साथ इंटरेक्शन करना समझ जाएंगे NCERT को करने के बाद। और मैं जो भी क्वेश्चन गलत होता था वो मैं फार्मूला चार्ट के बाद लिख लिया करता था ताकि दोबारा मेरी गलती वैसी ना हो। फिर इसके बाद हम आते हैं NCERT जरूर पढ़ना है, रीडिंग करना है, जैसे कि ड्यूअल नेचर हो गया और एटॉमिक हो गया, न्यूक्लियर हो गया, इन टाइप्स के जो भी चैप्टर हैं वो हमें रीडिंग ज़रूर करनी है। इसके बाद हम केमिस्ट्री के बारे में बात करना चाहेंगे। केमिस्ट्री में हम 3 पार्ट्स में पहले डिवाइड करते हैं केमिस्ट्री को, पहले ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो पहले मैं फिजिकल के बारे में बता देता हूँ। फिजिकल में हम NCERT को एक बार ज़रूर रीड करना है और रीड करने के बाद हमें फार्मूला चार्ट बना लेना और NCERT में सर के नोट्स ज़रूर रिविज़न करने हैं। और नोट्स जब रिवीजन कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें PYQ जरूर करना है। आप PYQ सॉल्व करने के बाद गलतियों को आप पूछ सकते हैं सर से, सर हमेशा बता देंगे उसे। टाइम टू टाइम आपको बिल्कुल करना है, ये नहीं कि पेंडिंग छोड़ देना है कि मैं मतलब 1 महीने का बैकलॉग आ गया और उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और उसे पूछते जाना है डाउट को, और डाउट को सॉल्व करने के बाद उसे लिख भी लेना है कि मेरा ये डाउट था। आप एक कॉपी बना सकते हैं और इसके बाद भी आप टेस्ट मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी भी सर हमें बताया करते थे यहाँ पे कि टेस्ट में हमें टाइमिंग बिल्कुल मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सर डिस्कस किया करते थे क्लास में। अगर आपके साथ कुछ भी मतलब गलती हो रहा हो तो उसे आप सर से डिस्कस कर सकते हैं कि मेरी यहाँ पर क्या गलती है, सर बताएंगे और आप उसमें सुधार कर सकते हैं। और जो भी गलतियाँ हैं वो आप जैसे फिजिक्स में मैंने बताया था कि आप फार्मूला चार्ट बना सकते हैं और उसके साथ अपनी गलतियों को लिख सकते हैं, वैसे आप केमिस्ट्री के भी फिजिकल में भी लिख सकते हैं। और इसे आप लास्ट में देख के जा सकते हैं ताकि आपकी सेम गलती दोबारा नीट में ना हो, उस टॉपिक से रिलेटेड गलती तो बिल्कुल नहीं होगी दोबारा। फिर हम आ जाते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। दूसरे पार्ट में जैसे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में आप चार्ट बना सकते हैं। ऑर्गेनिक पहले NCERT से 1-2 बार जरूर पढ़ना है, कम से कम 3 बार तो पढ़ ही लें और उसके बाद आप चार्ट बना सकते हैं। चार्ट आप एक बार में नहीं बना पाएंगे, उसे बार बार बनाएंगे तो आपका पहले तो प्रैक्टिस हो जाएगा और लास्ट में आपका बन ही जाएगा। और उसे आप कमरे में लगा सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स आप रिविज़न भी कर सकते हैं रोज़ डेली बेसिस पे। जब भी आप खाली बैठे रहेंगे कमरे में तो आप बार बार देख सकते हैं। फिर लास्ट में जाता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के लिए हमारा NCERT ही बहुत ही अच्छा बुक है। NCERT को आप मल्टीपल टाइम्स रिविज़न करें और उसका आप फार्मूला चार्ट की तरह आप एक पेज ले सकते हैं, ब्लैंक पेज, और उस पर आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लिख सकते हैं, जो भी आप भूल रहे हैं। बार बार रीड करने के बाद आप एक बार रिविज़न करके देखें और जो भी भूल रहे हैं वो लिख सकते हैं उस पर, और उसे आप मल्टीपल टाइम्स रिविज़न कीजिए। और उसके बाद टेस्ट लगाने से पहले
आप एक बार पी वाई क्यू जरूर लगाएं। पी वाई क्यू लगाने के बाद आप टेस्ट दें, और टेस्ट देने के बाद जो भी गलतियां हुआ हो वो जरूर एक बार टेस्ट डिस्कशन मतलब जरूर करना है। आप ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल अगर बढ़िया है तो आप दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, और उसके बाद बच जाता है तो आप सर के पास ले जा सकते हैं और इस पर आप सर से डिस्कशन कर सकते हैं, और उस क्वेश्चन को आप लिख भी सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है, आपने क्या मतलब गलत सोचा। आप एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता है लेकिन आप गलत कर देते हैं, किस वजह से गलत हुआ ये भी आप लिख सकते हैं, तो ये आपको लिख के ज़रूर रखना है। और फिर हम इसके बाद आ जाते हैं कि आपको पढ़ना तो रेगुलर है, डेली बेसिस पे थोड़ा ही पढ़े लेकिन पढ़ना ज़रूर है। कभी कभी आपका तबीयत खराब हो जाता है तो उस दिन थोड़ा सा ज़रूर पढ़ें, ये नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ देते हैं, कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करके रखना है, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है। और आप सर से बात कर सकते हैं, जैसे कभी कभी आप कंसिस्टेंस नहीं रहते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं टेस्ट का नंबर देख के, तो उसके लिए आप सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं। तो दोस्त मोटिवेट मेरे करते थे और मेरे सर सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते थे मेरे को, और कई बार जैसे नंबर कम आ जाते हैं तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, ये नहीं कि नंबर ज़्यादा कम आ रहे हैं जस्ट 400 से नीचे जा रहे हैं और आप डिमोरलाइज जैसे वर्ड का तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरी है कि आपको मेहनत करना है और आपको मार्क्स मतलब इम्प्रूव करना है, और आपको इतना ध्यान रखना है कि मार्क्स आपके 600 से ऊपर आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंस होने से ये होता है कि आप जैसे पेपर में जाते हो तो सिली मिस्टेक हो ही जाती है, सभी से हो जाती है थोड़ी सी, और आप जरा भी सिली मिस्टेक करते हो तो उस मार्जिन से आप पीछे चले जाते हैं। तो इसलिए भी हमारे सर मुझे मतलब हमेशा बोलते थे कि आप अपने स्कोर को मतलब मैक्सिमम जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो उतना करो, हमेशा मोटिवेट करते थे 700 के पास जाने के लिए, मतलब बोलते थे कि आप स्कोर कर सकते हैं, सभी बच्चों से कहते थे, और सर सभी बच्चों पर मतलब बराबर ध्यान देते थे क्लास में। जैसे कि जो बच्चा अगर कम स्कोर कर रहा है तो ये नहीं कि उस पर मतलब कम ध्यान देना है, जो ज़्यादा स्कोर कर रहा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो ये चीज़ नहीं था, सर सभी पे ज़्यादा ध्यान देते थे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एक बार ज़रूर आए और यहाँ पे एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करें इस चीज़ों को। और मैं इसके बाद बताना चाहूँगा कि हमने लॉकडाउन में कैसे प्रिपरेशन किया। लॉकडाउन में हमने ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड किया, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे चार चीज़ें हुआ करती थी। पहले तो मतलब रिवीजन चलते थे, और दूसरी जो क्लास चलती थी रिवीजन के बाद डाउट सीजन हुआ करता था, डेली डाउट सीजन जरूर हुआ करता था। हम मतलब डेली में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, और डेली में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जो भी हमारा डाउट हुआ करता था वो हम व्हाट्सएप मतलब ग्रुप बना हुआ था हमारा दोस्तों का, और उसमें हम भेज दिया करते थे, और ग्रुप में जो भी होता था वो डाउट कुछ तो ग्रुप में दोस्त ये सब सॉल्व करके भेज दिया करते थे, और जो रह जाता था वो लास्ट में हमारा रात में मतलब हो जाता था डाउट सीजन। और उससे पहले हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ऑनलाइन ही किया करते थे, टीचर मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया करते थे और रिवीजन हुआ करता था, और कुछ जैसे टॉपिक वाइज जैसे आपका रह जाता है तो वो भी बैकलॉग जैसे रह जाता है कुछ बच्चों का कि मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ, तो वो क्लास भी चला करता था। तो चार तरीके से मतलब क्लास आता था हुआ करता था हमारा ऑनलाइन। तो इसमें मैं सबसे ज़्यादा लिया दो तरीके की क्लास लिया करता था, जो डाउट सीजन हुआ करता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, इन दो को मैं ज़रूर अटेंड करता था और रेगुलर रहा था मैं इसमें, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इस वजह से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाया और मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए लास्ट में। और फिर जो भी मतलब डिमोरलाइज हो जाता है उस टाइम भी हम ऑनलाइन टेस्ट दे दिया करते थे, जैसे कोचिंग नहीं आ पाते थे तो। और इसमें 3 घंटे मतलब टाइमली बिल्कुल स्टॉप वॉच आप लगा सकते हैं, या फिर ऐप पे आप देंगे तो वहाँ पे आप बिल्कुल चीटिंग करने का ऑप्शन नहीं रहता उसमें, मतलब ऐप में जब आप टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे आप बिल्कुल टाइमली दे सकते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ दे सकते हैं टेस्ट। तो वहाँ पे मैं टेस्ट दिया करता था, अगर मेरे टेस्ट में भी जैसे कभी कभार नंबर कम आ जाते थे तो हम लोग फ़ोन पे बात कर लिया करते थे सर से, और सर उसमें हमें मोटिवेट करते थे कि आप अच्छा कर सकते हो, इसमें मतलब जो गलती है उस पर सुधार करने के लिए सर बताया करते थे। और आप अगर पास में रहते तो आप मोमेंटम नीट आईआईटी जेई एकेडमी पे आके एक बार एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं, यहाँ के टीचर्स एंड फैकल्टी बहुत ही अच्छे हैं और आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आप ये मैटर नहीं करता कि आप स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे हैं या बेकार है पढ़ने में, आप पे बराबर ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू।